नेक्स्ट टॉपिक सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। इससे पहले हमने पढ़ा तीन कंसेप्ट एसिड बेस के। सबसे पहले हमने पढ़ा आर्गेनिक कंसेप्ट, उसके मुताबिक से कहते हैं एसिड ठीक है, वाटर में ऐड करने से एच प्लस या हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो, उसको कहते हैं एसिड। और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हो वाटर में ऐड करने से जिन चीजों से, उसको क्या कहते हैं बेस। उसके बाद हमने पढ़ा था लोरी कंसेप्ट, किसे कहते हैं एसिड, प्रोटॉन डोनर को, और किसे कहते हैं बेस, प्रोटॉन एक्सेप्टर को। उसके बाद हमने पढ़ा कौन सा कंसेप्ट, लीविस कंसेप्ट, किसे कहते हैं उसके मुताबिक एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को नाम देते हैं एसिड, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को नाम देते हैं बेस। कब दिया गया था आर्गेनिक कंसेप्ट, 1887। कब दिया गया था रोस्टेड और लोरी कंसेप्ट, और लिविस कंसेप्ट, ठीक है जावा। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ किसको कहते हैं, खुद ही। आयनाइजेशन किसको कहते हैं, आइंस में क्या होना, डिवाइड होना, या इसको ऑटो आयनाइजेशन भी कहते हैं। तो दूसरा नाम क्या होगा, ऑटो आयनाइजेशन, एक सेल्फ आयनाइजेशन या दूसरा ऑटो आयनाइजेशन ऑफ इसका वाटर का, इसकी ऑटो आयनाइजेशन वाटर की। अब देखें तो वाटर मॉलिक्यूल, अगर इसको आप ओपन फॉर्म में लिखें तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आप लिखें तो ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से दो हाइड्रोजन अटैच होते हैं, और इनके ऊपर दो क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने 9th क्लास में ये भी पढ़ा था कि वाटर इज अ हाईली पोलर मॉलिक्यूल। वाटर क्या है, हाईली पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि ऑक्सीजन अटैच है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जिसमें पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इन मॉलिक्यूल्स में हो उनको क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। उनको क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर इज अ हाईली पोलर मॉलिक्यूल। वाटर क्या है, हाईली पोलर मॉलिक्यूल है, जिसकी वजह से ये जब एक दूसरे के साथ वाटर मॉलिक्यूल टकराते हैं तो क्या होते हैं, पोलर होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल के एक दूसरे के साथ कोलिजन की वजह से एक वाटर मॉलिक्यूल अपना प्रोटॉन देता है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन लेता है। मसलन अगर ये दो टकरा रहे हैं, टकराने से क्या करेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल अपना प्रोटॉन देगा, मसलन ये अपना प्रोटॉन इस वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, दे रहा है। हमने कहा था कि वाटर एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, जो एसिड भी करता है और बेस भी। क्यों, क्योंकि वो वाटर दे भी सकता है और वो प्रोटॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है। अब जब दो वाटर मॉलिक्यूल्स पोलर होने की वजह से टकराएंगे तो एक अपना प्रोटॉन दूसरे को देगा, दूसरा वो प्रोटॉन क्या करेगा, लेगा। इसके नतीजे में क्या बनेंगे, जो प्रोटॉन दे रहा है, ले रहा है, मतलब H2O था, वो H+ लेगा। प्रोटॉन का मतलब हमने क्या कहा था, H+, हाइड्रोजन आयन का दूसरा नाम प्रोटॉन ही है। तो ये क्या बनेगा, H3O+, पॉजिटिव चार्ज एक आयन बनेगा। क्यों, H2O था, H और आने से क्या हुआ, H3O आया, H में प्लस चार्ज था, तो पूरे आयन पे क्या होगा, प्लस चार्ज, H3O+, जो कब बना, जिस वाटर मॉलिक्यूल ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया उसकी वजह से, और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जिसने प्रोटॉन अपना क्या किया है, डोनेट किया है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा इसके ऊपर आएगा, क्योंकि H+ ही जाएगा तब उसको प्रोटॉन कहेंगे, जब इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा हाइड्रोजन एटम, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा हाइड्राइड आयन H-1, लेकिन H+1 उसको क्या कहते हैं, प्रोटॉन। तो H+1 का मतलब इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ के वो किया है, तो जो दूसरा आयन है उस पे चार्ज होगा O, एक H हाइड्रोजन बचा OH, इलेक्ट्रॉन पे उसके ऊपर जाने से उस पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, क्या आएगा, माइनस। तो दो आयन्स बनेंगे, इस आयन को हमने नाम दिया था कहीं हाइड्रोनियम आयन, H3O+ का क्या नाम है, हाइड्रोनियम आयन।
OH माइनस का कौन सा नाम है? हाइड्रोक्साइड आयन। इसका क्या नाम है? हाइड्रोक्साइड आयन। अब देखें दोनों वाटर ही हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हैं? वाटर। वाटर खुद ही अपने आयंस में क्या होते हैं? डिसोसिएट हो रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स खुद ही क्या हो रहे हैं? अपने आयंस में डिसोसिएट हो रहे हैं, आयंस में डिसोसिएट हो रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो इस तरह वाटर का अपने आयंस में डिसोसिएट होने को क्या नाम देते हैं? सेल्फ आयनाइजेशन, या इसको क्या नाम देते हैं? ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। यानी वाटर का खुद ही अपने आयंस में क्या होना? डिसोसिएट होना। क्यों? वाटर पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से, एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ टकराने की वजह से एनर्जी ट्रांसफर होती है, एक अपना प्रोटॉन दूसरे को देता है, जो प्रोटॉन देने के बाद वाटर हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा, जो वाटर प्रोटॉन लेगा वो किस में कन्वर्ट होगा? हाइड्रोनियम आयन में। तो वाटर ही की आयनाइजेशन हो गई, उस नतीजे में आयंस बन गए, तो इसको क्या नाम देते हैं? सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? यानी एक वाटर मॉलिक्यूल पोलर दूसरा भी पोलर टकराने की वजह से वाटर दूसरे वाटर को अपना प्रोटॉन देगा, दूसरा प्रोटॉन लेगा, जो प्रोटॉन देगा वो हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा, और जो प्रोटॉन लेगा वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? हाइड्रोनियम आयन में। तो वाटर खुद ही आयंस में डिसोसिएट हो रहे हैं, तो इसलिए इसको नाम देते हैं ऑटो आयनाइजेशन या सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। इसको अगर एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये जो एक H2O है ये अपना प्रोटॉन दे रहा है, और दे के किस में कन्वर्ट हो रहा है? खुद OH माइनस में। तो अगर एक ही वाटर लिखे H2O, एक वाटर को अगर आप रिप्रेजेंट करें तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? H प्लस में। प्रोटॉन देगा तो प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होगा? H प्लस में, और इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आने से दूसरा जो आयन बनेगा वो क्या बनेगा? OH माइनस। क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड आयन। एक यानी वाटर में दो आयन है, एक क्या है? OH माइनस आयन, दूसरा कौन सा आयन है? H प्लस आयन। तो जब वाटर दूसरे को अपना प्रोटॉन देता है तो वो एक तो प्रोटॉन देगा जो दूसरा लेगा, प्रोटॉन जब देगा तब वो लेगा, और वाटर खुद किस में कन्वर्ट होगा? हाइड्रोक्साइड आयन में। अब देखें वाटर, एक वाटर मॉलिक्यूल खुद ही अपने आयंस में क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है। कौन से आयंस में? हाइड्रोक्साइड आयंस में और हाइड्रोजन आयन में। तो वाटर खुद का अपने आयंस में डिसोसिएट होने को क्या नाम देते हैं? सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। सिंप्लीफाइड फॉर्म इसको ले सकते हैं, लेकिन असल में रिएक्शन कोलिजन की वजह से होता है। कोलिजन के लिए आपको कम से कम कितने मॉलिक्यूल चाहिए? दो। तो एक दूसरे के साथ टकराएगा तो अपना प्रोटॉन एक देगा, दूसरा उस प्रोटॉन को लेगा, तो एक्चुअल रिएक्शन ये है। लेकिन अगर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल अपना प्रोटॉन देके प्रोटॉन एच प्लस आयंस में कन्वर्ट होता है और हाइड्रोक्साइड आयंस में, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ही अपने आयंस में डिसोसिएट होता है, तो इसलिए इसको क्या नाम देते हैं? सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कितना ले लें? 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें, रूम टेम्परेचर ले लें। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है? जो वाटर अपने आइंस में तो डिसोसिएट होता है, लेकिन वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर क्या है? इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट भी आपने मेथड में 9 पढ़ा था, किसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट? यानी वो सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में अपने आयंस में डिसोसिएट होते हैं, जिसकी वजह से वहां से क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो बास स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो इजीली अपने आयंस में क्या होते हैं? डिसोसिएट होते हैं। बास क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो आयंस में तो डिसोसिएट होते हैं लेकिन बहुत ही कम अपने आयंस में डिसोसिएट होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वाटर आयंस में तो कन्वर्ट होता है लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इन आयंस की कंसंट्रेशन इस वाटर के मुकाबले में बहुत ही कम होती है। क्या होती है? बहुत ही कम होती है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में जब वाटर अपने आयंस में कन्वर्ट होगा तो बराबर आयंस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इसको बैलेंस अगर करें तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल से क्या बन रहे हैं? एक मोल हाइड्रोजन, वन मोल हाइड्रोक्साइड आयन के बन रहे हैं, वन मोल हाइड्रोजन आयन के बन रहे हैं। तो हमेशा जब वाटर डिसोसिएट होगा तो इक्वल कंसंट्रेशन होगी किसकी? हाइड्रोक्साइड आयन की, और इक्वल कंसंट्रेशन होगी किसकी? हाइड्रोजन आयन की। तो कंसंट्रेशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे? H प्लस, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है? उसकी कंसंट्रेशन है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमेशा इक्वल होगी किसकी?
हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन के, और ये कितनी होती है, वैल्यू इसकी होती है 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट माइनस 7 मोलर। कितनी होती है, जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन्स हैं जो सॉल्यूशन में है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट माइनस 7 मोलर। किस टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अब अगर आप 1 लीटर वाटर ले लें, 1 लीटर वाटर ले लें तो उसकी कंसंट्रेशन तकरीबन अगर आप कैलकुलेट करें तो 57 मोलर होती है। कितनी होती है, 57 मोल। अब 57 मोल के मुकाबले में, वाटर के मुकाबले में उसके आयंस की जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, 1/10 एक्सपोनेंट माइनस 57 मोलर मोल, 1/10 एक्सपोनेंट माइनस 7 मोल, तो इतनी कंसंट्रेशन होगी। तो ये कंसंट्रेशन इसके मुकाबले में बहुत ही कम है, क्या है, बहुत ही कम है। 7-0 के बाद जाके आप क्या लगाए, 1 लगाए, 6-0 के बाद या माइनस 1 लगाए तो वो क्या होती है, इतनी कंसंट्रेशन होती है। तो ये कंसंट्रेशन माइनस 7 की वजह से वैल्यू बहुत कम हो गई है, ये वैल्यू क्या है, हायर है। तो वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से डिसोसिएट तो होता है लेकिन उसकी कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन किसके इक्वल होती है, 1.01 एक्सपोनेंट माइनस 7 के इक्वल होती है। लेकिन इस वाटर और इनके आयंस के दरमियान क्या होता है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। क्या होता है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। इससे हम एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे, इसको नाम देते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ या फॉर वाटर, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। अगर आप इक्वेशन ड्राइव करें तो आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, तो वाटर के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट के लिए आप एक एक्सप्रेशन ड्राइव कर सकते हैं एंड डिटरमिन इट्स वैल्यू, इस तरह पेपर में आ सकता है, और इसकी वैल्यू भी डिटरमिन करें किस टेम्परेचर पे, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। किस टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखें इससे आगे हम उस इक्वेशन की तरफ जाएंगे, वाटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिसोसिएट होता है OH- या H+ में, H+ और OH- आयंस में कन्वर्ट होता है। अक्सर बुक में आपको H+ पहले लिखा होगा, OH- बाद में लिखा होगा, तो आप इसे लेंगे H+ आयंस और किस में कन्वर्ट होगा, OH- आयंस। लेकिन इनके दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है और उस टेम्परेचर पे H+ की कंसंट्रेशन इक्वल होती है किसके, हाइड्रोक्साइड आयंस के, और वो किसके इक्वल होती है, 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट माइनस 7 के। अब इनके दरमियान जब भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो उसको रिवर्सिबल रिएक्शन ही में होगा, आयंस में कन्वर्ट होना, आयंस का दोबारा वाटर में कन्वर्ट होगा, ये इक्वल रेट से होंगे, तो उसको आप क्या नाम देंगे, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के लिए आप के सी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, के सी एक्सप्रेशन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं के सी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, इस इक्वेशन के अगर आप के सी लिखें, एच प्लस की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय किसकी कंसंट्रेशन होगी, वाटर की कंसंट्रेशन। शाबाश, प्रोडक्ट को आप ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट को नीचे लिखते हैं। तो आपने केसी एक्सप्रेशन इस इक्वेशन के लिए क्या किया, लिखा, ये केसी एक्सप्रेशन लिखा। अभी हमने कहा कि जो वाटर होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब दूसरा वाटर सॉल्वेंट होता है, उसकी कंसंट्रेशन क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो उस वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से, वाटर सॉल्वेंट होने की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके मुकाबले में हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत ही कम होती है। अभी हमने यहाँ देखा ये वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है। अब कोई बहुत बड़ी वैल्यू से बहुत कम वैल्यू को अगर आप माइनस करें या उससे माइनस करें, क्या करें, उससे उसको निकालें, यानी वाटर से ही ये बन रहे हैं हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। इनकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन से अगर आप कम कंसंट्रेशन को माइनस करें तो वो ज्यादा वैल्यू है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू तकरीबन क्या होगी, वही आएगी। आप करके देखें कैलकुलेटर से, 57 से आप क्या करें, माइनस करें 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट माइनस 7, तो आपके पास तकरीबन 57 ही आएगी वैल्यू, क्या आएगी, 57 ही आएगी, क्योंकि एक तरफ बहुत ज्यादा वैल्यू है, दूसरी तरफ बहुत ही कम वैल्यू है। तो इसका मतलब वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से आइंस में तो कन्वर्ट होता है, बहुत कम होता है, लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन तकरीबन सेम ही रहती है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। तो कोई वैल्यू सेम रहती है तो उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, कांस्टेंट।
एसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब वाटर ज्यादा होने की वजह से वीकल फ्लाइट होने की वजह से इसकी कंसंट्रेशन भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसलिए इसको भी हम लेके जाएंगे किस तरफ, कांस्टेंट की तरफ। इक्वेशन के एक तरफ कांस्टेंट है, दूसरी तरफ ये तो चेंज होंगे, इनकी वैल्यू आपने मालूम बैठी है। वाटर ज्यादा होने की वजह से उसकी कंसंट्रेशन में कोई तब्दीली नहीं आती वीकल फ्लाइट की वजह से। तो इसको भी हम दूसरी तरफ लेके आएंगे, इधर डिवाइड कर इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा के सी इज इक्वल टू के सी, ये इधर जा क्या होगा मल्टीप्लाई होगा के सी मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन ऑफ एच टू ओ इज इक्वल टू, दूसरी तरफ क्या बचेगी एच हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई हाइड्रो ऑक्साइड आयन की कंसंट्रेशन। तो यहाँ तक हमने इसको किया, क्या क्या इस इक्वेशन के लिए हमने क्या लिया, के सी एक्सप्रेशन लिखा, वाटर ज्यादा होने की वजह से लीक फ्लाइट की वजह से इसकी वैल्यू तकरीबन हमने कहा अभी देखा सेम रहती है, तो इसको भी हमने इसके साथ क्या किया मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गए। अब दो कांस्टेंट को मतलब मल्टीप्लाई होंगे तो वो भी एक और कांस्टेंट ही बनेंगे, क्या बनेगा एक और कांस्टेंट ही बनेगा। तो इसलिए अब इन दोनों को मिला के सी मल्टीप्लाई बाई एच टू ओ की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, इसको नाम देते हैं के डब्ल्यू, क्या नाम देते हैं के डब्ल्यू, और इसको क्या नाम देते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। इस के डब्ल्यू को क्या नाम देते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर कहते हैं। तो अब इसको के डब्ल्यू के सी मतलब एच टू की वजह हम क्या लिख सकते हैं के डब्ल्यू लिख सकते हैं, तो के डब्ल्यू की किसके पर होगा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई और H माइनस आयन की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट क्या होगा इक्वल होगा। और इसकी वैल्यू अगर हम मालूम करना चाहें अब से क्या है डिटर्जेंट इस वैल्यू है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें मालूम है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगी वाटर में मौजूद H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बराबर होगी किसके और H माइनस आयन की कंसंट्रेशन के, वो किसके बराबर होती है 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट माइनस 7 मोलर के। यहां हमने दिखाया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे H प्लस की और हाइड्रोक्साइड दोनों क्या होंगे बराबर होते हैं और इनका कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट माइनस 7, इसका मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन भी इसकी इक्वल होती है और H माइनस की कंसंट्रेशन भी इसकी इक्वल होती है। तो इस इक्वेशन में आप इस इक्वेशन में इनकी वैल्यू पुट करें तो ये क्या होगा के डब्ल्यू इज इक्वल किसके इक्वल है H प्लस के इक्वल है मल्टीप्लाई बाय किसके इक्वल है OH माइनस इनकी कंसंट्रेशन के किसके इक्वल है प्रोडक्ट के। तो इनको प्रोडक्ट करके आप देखें तो H प्लस आपके पास 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट माइनस 7, इनके प्रोडक्ट क्या होगी इक्वल होगी। आप इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो इनकी वैल्यू आएगी 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट माइनस 14, किसके इक्वल होगी 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट माइनस 14 के। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में प्योर वाटर, वाटर क्या हो प्योर हो और उसमें कोई चीज मौजूद ना हो, तो हमेशा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बराबर होगी किसके इक्वल होगी इसके, और उनका प्रोडक्ट क्या कहलाता है आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगी 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट माइनस 14 के। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे kW की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट माइनस 14, क्यों क्योंकि आपने पहले एक्सप्रेशन लगाया कि kW की H प्लस OH माइनस कंसंट्रेशन के किसके इक्वल होता है प्रोडक्ट के। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनकी कंसंट्रेशन किसके इक्वल होती है तो इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो kW की वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड किसके इक्वल होगी 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट माइनस 14 के। तो ये आपका टॉपिक था, फिर इसी को हम सामने रख के हम आगे पीएच स्केल भी ड्राइव करेंगे और ये भी बताएंगे कि एसिड कब होंगी चीजें बेस कब होंगी, लेकिन ये अहम टॉपिक था उसके लिए आपके मोस्ट बेस प्रोवाइड करेगा उससे पेपर में आता है। तो दोबारा देखिए सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर या ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर पोलर मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से ये क्या करते हैं जब वाटर मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो एक मॉलिक्यूल प्रोटॉन डोनेट करता है दूसरा प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। तो एक प्रोटॉन देने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा, दूसरा मॉलिक्यूल प्रोटॉन लेने के बाद किसमें कन्वर्ट होगा हाइड्रोनियम आयन में। या इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि एक ही वाटर मॉलिक्यूल अपना प्रोटॉन देता है और खुद किसमें कन्वर्ट होता है हाइड्रो ऑक्साइड में, एक एच प्लस बनेगा दूसरा ओ एच माइनस। 25 डिग्री सेंटीग्रेड में इनकी वैल्यू
एक दूसरे के बराबर होती है और वो किसके इक्वल होती है 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट माइनस 7 के। अब इस इक्वेशन के लिए हम के सी एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो प्रोडक्ट ऊपर और रिएटेड नीचे। उसके बाद वी के रिप्लाई थे हमने कहा, जिसकी वजह से वाटर की कंसंट्रेशन तकरीबन क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसको भी हम इक्वेशन के दूसरे तरफ लाएंगे, के सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दो मल्टीप्लाई करने से एक और कांस्टेंट, वो क्या है, के डब्ल्यू, इसको क्या नाम देते हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। इसकी जगह आप इसको पुट करें तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बनी। तो ये इक्वेशन है असल में किसकी, के डब्ल्यू आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर की, किसके इक्वल होता है वो, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड में हमने कहा कि इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, बराबर होती है, किसके इक्वल होती है, 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट माइनस 7 मोलर के। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर की वैल्यू आएगी, दैट इज 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट माइनस 14। याद रखिए इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये जो वैल्यू है क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये जो वैल्यू आ रही है किस टेम्परेचर पे आ रही है, 25 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। टेम्परेचर कम करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि आयनाइजेशन ऑफ वाटर इंक्रीज होती है हाई टेम्परेचर पे, डिक्रीज होती है कम टेम्परेचर पे। तो जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो अल्टीमेटली उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो इसके साथ आपने टेम्परेचर मेंशन करना जरूरी है। ऑब्जेक्ट में आ सकता है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है, तो ये हमेशा क्या होता है, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट।